नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजीज के अंडों के बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि मेरे पास पेयर है बजीज का, उसने कि दो बार ब्रीड की है और दोनों बार उसने अपने बेबीज नहीं निकाले, उसने अपने अंडे खराब किए हैं। इस बार भी उसने चार अंडे दिए थे, एक अभी मटकी में ही है और तीन को दूसरी चिड़िया ने इससे लड़ाई करके जो है मटकी से नीचे गिरा दिया। तो मैंने चेक किया दोस्तों, तो इनमें जो है पूरे पूरे बेबीज बने हुए हैं बट टाइम से उनको निकाला नहीं गया है। ये देखिए, अगर फोकस कर पा रहे हो आप, देखिए दोस्तों ये देखिए पूरा पूरा बेबी जो है इसके अंदर मटकी के एग के अंदर जो है पूरा पूरा बेबी जो है वो जो है बना हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा पूरा बेबी, आपको मैं फोकस करता हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा, जरा लाइट कम है तो उस वजह से फोकस हो नहीं पा रहा है। बट जहां तक कि साफ है कि पूरा पूरा बेबी जो है हर अंडे के अंदर, ये देखिए हर एग के अंदर जो है पूरा पूरा बेबी बना हुआ है। और वो जो बेबी है अंदर सूख चुका है, मतलब कि काफी दिन पहले ही बेबी का प्रोग्रेस जो वो खत्म हो चुकी थी बट इस चीज़ से बाहर निकाला ही नहीं। ये देखिए ये बेबी है पूरा पूरा एग के अंदर सेफली बना हुआ है, कंप्लीट बेबी, बट बर्ड्स ने उसको निकाला नहीं और वो अंदर ही जो है मर गया। तो काफी सैड न्यूज है दोस्तों, मेरा नुकसान हुआ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ये बात। काफी बुरी खबर है कि मेरी जो बजीज है उनके जो बेबी से मर गए हैं। चलो तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, दोबारा एक देगी वो। ये देखिए पूरे पूरे बेबी हैं दोस्तों। चल इनको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और बारिश पड़ रही है आजकल, ठंड ज्यादा है तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि बेबीज की डेथ हो गई है। दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप अपने बजीज को गर्म जगह पे रखें सर्दियों में, या फिर केज को कवर रखें और उसमें जो है 100 वाट का बल्ब लगाएं ताकि जो है हीटिंग बनी रहे और आपके साथ ये चीज ना हो। थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आपको जानकारी दी थी ताकि ये चीज आपके साथ ना हो। वीडियो चलिए लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू।